आज का इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं तो इंटरनेशनल में ट्रम्प से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज है तो वो सारा कुछ तो ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हैं उसका खाली आ, कुछ कुछ पार्ट्स अगर एक्स्ट्रा होगा तो बताएंगे नहीं तो फिर दूसरा दूसरा न्यूज ही कवर करेंगे अभी फिलहाल तो ये क्या है ये है यूएस एंड रशिया तो यूएस ये ओपन स्काई ट्रीटी से रिलेटेड है तो ओपन स्काई ट्रीटी है क्या तो ये क्या है ना कि ये परमिशन देता है अगर ये ट्रीटी अगर कोई साइन किया हुआ है लाइक थर्टी फोर कंट्रीज ये ट्रीटी में थे थर्टी फोर कंट्रीज तो इसमें हुआ क्या था कि ये परमिशन देता है दूसरे कंट्री को कि वो सर्विलेंस कर सकते हैं ठीक है जैसे वो जहाँ पे कुछ भी लाइक uh, like कोई वेपन बना रहे या कोई भी बेस है उसका सर्विलेंस करने का परमिशन मिलता था तो इससे क्या है कि यूएस बाहर निकल चुका था ठीक है और भी बहुत सारे कंट्रीज इसमें हैं लेकिन अब क्या है जैसे जो बिडन आने वाले हैं मतलब आने वाले थे तो ट्वेंटी एथ डे बीत गया लेकिन उसी समय क्या है कि अब रशिया क्या है पहले इसमें था लेकिन रशिया भी बोला कि नहीं हम भी ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलते हैं तो अब क्या होगा कि अब सारे लोग अगर ये दोनों ही बाहर निकल गए एग्जिट कर गए तो अब क्या होगा कि जो सर्विलेंस करने का जो उन लोगों को परमिशन मिला हुआ था एक दूसरे का बेस पे तो वो नहीं कर पाएगा अब मॉस्को मतलब यूएस का वॉशिंगटन और रशिया के लिए मॉस्को यूज करते हैं तो मॉस्को ये मतलब गारंटी लेना चाह रहा है बाकी सब कंट्रीज से जो भी ये थर्टी फोर कंट्रीज हैं उन लोगों से ये गारंटी लेना चाह रहा है कि आ, हम तो बाहर निकल गए हैं लेकिन तुम लोग भी यूएस का इंटेलिजेंस को या यूएस को अपना जो भी आ, बेस है या उसका सर्विलेंस करने का आ, परमिशन नहीं देना ठीक है तो ये इसी को लेकर रिलेटेड है ओपन स्काई ट्रीटी टू थाउजेंड टू में शायद साइन हुआ था ये हम कंफर्म नहीं है लेकिन हम कंफर्म करके बोल देंगे और ये थर्टी फोर मेम्बर्स थे इसमें और इसमें क्या है यूएस एंड रशिया मेजर जो थे यूएस एंड रशिया ही थे और बाकी कंट्रीज हैं तो यूएस पहले ही बाहर निकल गया अब रशिया बाहर निकल गया अच्छा एक ये पिछले बार भी न्यूज था लेकिन अभी कुछ और ही रिलेटेड ये न्यूज है लॉजान अल हथ लॉल ये इसका नाम हम लोग पिछले बार का शीट में पढ़े थे क्या था वो मतलब ये कौन है ये ही सिर्फ बता दोगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी को याद है कि ये कौन थी तूफा का हाथ ऊपर उठ रहा है हाँ तूफा बोलो ये ग्रुप है सऊदी अरेबिया में जो के मतलब वुमेन्स का ड्राइविंग राइट्स को प्रमोट किया था ऐसा कुछ हाँ ये कौ, ये ना एक मतलब लेडी है जो कि ये और इसकी बहन मतलब ये भी क्या है विमेन राइट्स के लिए सऊदी अरेबिया बहुत कंजर्व कंजर्वेटिव था बहुत सोसाइटी उसका बहुत कंजर्वेटिव था तो वो विमेन का राइट्स के लिए वो आ, बहुत सारा मतलब ये भी मूवमेंट भी चलाई थी बहुत मतलब बहुत सारा ह्यूमन राइट्स के लिए एक्टिविटीज भी की है तो ये क्या है ना कि अभी क्या है कि इसका क्या आया है बात कि ये अभी भी जेल में है ठीक है तो एक वहाँ पे डकार रैली होने वाला है तो डकार रैली है क्या तो डकार रैली के रैली के बारे में बता दे रहे हैं आ, वहां मतलब मिडिल uh, ईस्ट में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज uh, में एक होता था अच्छा पहले बता दे डकार रैली है क्या एक डकार रैली है एनुअल मोटर स्पोर्ट इवेंट है जो कि १९७९ से चला आ रहा है ठीक है और इसमें क्या है इसमें क्या है ये सारे लोग मतलब इवन की जो नए नए सीखे हैं ड्राइविंग वो भी प्लस जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स है वो मतलब सारे लोग को इसमें परमिशन मिलता है और इसमें क्या है कि ये करीब ५०० किलोमीटर मतलब ईच डे इसमें वो रैली होता है या रेस होता है जैसे बोल सकते हैं तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज के लोग ये करते हैं तो ये इवेंट पहले पेरिस फ्रांस डकार जो सैनिकल में है वहाँ पे होता था फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गया साउथ अमेरिका में ठीक है क्योंकि और में बहुत सारा टेरर अटैक्स हुआ फिर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में वो हमेशा वो इंसर्जेंसी रहता ही है तो इसीलिए वो हो गया शिफ्ट कहाँ पे साउथ अमेरिका में लेकिन इस बार बोला गया है कि इस बार सऊदी अरेबिया में होगा एक मिस्टीरियस डेजर्ट है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में वहाँ पे होगा अब वहाँ पे आ, होगा और इसमें मतलब इसमें आ, ये थर्ड जनवरी का होने का बात था और क्या है बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे और क्या इसमें ट्वेल्व वेमेन को भी पार्टिसिपेशन मतलब इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन बहुत जो विमेन एक्टिविस्ट है वो सऊदी अरेबिया अथॉरिटी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मतलब कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स वॉश है ठीक है स्पोर्ट्स वॉश क्या है तो स्पोर्ट्स के बहाने आप अपना जो कंट्री का जो रेपुटेशन है वो उसका मास्किंग कर रहे हैं आप इतना कंजर्वेटिव है और जो आपका पेट्रियॉर्कियल वैल्यू है वो आप स्पोर्ट्स के जरिए कि हाँ स्पोर्ट्स में वुमेन को पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तो हमारा सोसाइटी बहुत लिबरल हो गया है आप ये शो ऑफ कर रहे हैं एक्चुअल में ऐसा है नहीं अगर ऐसा होता तो आप जो विमेन राइट्स आ, एक्टिविस्ट जो है लॉजान अल ये अभी भी जेल में नहीं होती मतलब ये डबल फेस आ, ये लोग बोल रहे हैं कि ये डबल फेस है वो जो कि वेमेन्स का राइट्स के लिए एक, वो जो एक्टिविस्ट को आप पकड़ के रखे हैं वो तो इसीलिए वो आ, मतलब मूवमेंट की थी कि वेमेन को ये परमिशन मिल सके कि वो ड्राइविंग कर सके ठीक है और क्या एक विलय विलाय आ, विलाया होता है मतलब क्या गार्जियन शिप, शिप सिस्टम मतलब विमेन अगर रहेगी तो उसका गार्जियन कोई मेल पर्सन होगा तो ये सिस्टम के अगेंस्ट में भी वो मूवमेंट की थी और क्या है कि अगर आप आ, कहीं भी अब्रॉड पहले भी ये सिस्टम था कि अब्रॉड अगर जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा आ, गार्जियन से फिर एक और सिस्टम था जैसे हमको याद आ रहा है आ, वो मरहम करके सिस्टम था जिसमें कि मेल पर्सन के साथ ही जाना पड़ेगा वो उस तरह का कुछ कुछ सिस्टम था तो ये आ, इसके अगेंस्ट में वो जब इतना मूवमेंट की है वो एक्टिविस्ट है और ड्राइविंग के लिए आप उसको पकड़ के अभी भी रखे हैं क्योंकि वो ड्राइव वेमेन को ड्राइविंग का परमिशन मिले और आप ये रेस करवा रहे हैं और इसमें विमेन को ही बुला रहे हैं तो उसको रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब यही बात उठा है कि उसको क्यों रिहा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो इसी के लिए मतलब बात की थी ना तो ये बहुत शेमफुल है इस तरह से ये बोला कि उसको इतना ट्रॉमा ट्र, वो टॉर्चर सह रही है सेक्सुअल असोल्ट भी प्रिजन में उस सह रही है ऑफिशियल्स के द्वारा और यहाँ पे आप विमेन को दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि आप विमेन को इतना लिबरल सोसाइटी दिए हैं कि उसको प्रेस में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं तो इसी को लेकर के ये है तो आ, जो सऊदी अरेबिया है ये बोलता है अर, वो बोलता है कि नहीं उसको हम उस आ, जो एक्टिविट वेमेन राइट्स राइट एक्टिविट्स के रूप में नहीं पकड़े हैं मतलब उस एक्टिविटीज के लिए नहीं पकड़े हैं वो हम किस लिए पकड़े हैं तो वो अरेस्ट किए हैं क्योंकि वो अः वो कैंपेन कर रही थी रॉयल फैमिली के अगेंस्ट में रॉयल फैमिली को अंडरमाइंड कर रही थी मतलब उस उसके अगेंस्ट में कुछ कर रही थी इसीलिए उसको पकड़ के रखे हैं मतलब याद ये अपना इशू बताया कि यही इशू है उसको पकड़ के रखने का पढ़ना ये अच्छा है ऐसे में ये सब काम आता है फिर आते हैं फाइनल ब्लो ये रिलेटेड uh, न्यूज़ है हम ये शेयर नहीं करना चाह रहे थे लेकिन तुम लोग को फिर वो अनइजी होता है इसीलिए हम शेयर किए हैं ठीक है लेकिन इसका बहुत सारा मॉडिफाइड वे में तुम लोग को जाएगा आ, ये जो शीट है अच्छा ये क्या किए हैं जाते जाते ट्रम्प क्या किए हैं कि ट्रम्प जाते जाते क्यूबा को ठीक है क्यूबा को फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिए ठीक है तो क्यूबा आ, थोड़ा बात करें इसमें बहुत सारा बात है ठीक है क्यूबा को पहले वो ब्लैकलिस्ट किया गया था लेकिन जैसे बराक ओबामा उसको फिर से ब्लैकलिस्ट से हटा दिए थे और उससे मतलब अच्छा रिलेशन करने का कोशिश हुआ था अच्छा ये बहुत अजीब बात है अमेरिका का अमेरिका का जैसे कोल्ड वॉर चलता है था रशिया के साथ तो रशिया क्यों कोल्ड वॉर का रीजन भी क्या था एक कम्युनिस्ट कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट वहां पे थे और कम्युनिस्ट की वजह से कोल्ड वॉर था ठीक है और बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री है उसके यूएस हमेशा अगेंस्ट रहता है क्यों क्योंकि कम्युनिस्ट का मतलब हो गया मतलब हमेशा कम्युनिस्ट के अगेंस्ट रहेंगे कैपिटलिस्ट कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री वो जो कि पूंजीपतियों का देश की पूंजीपति ही आ, वो पूंजीपति अपना चाहे तो वो कितना भी अपना प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं उसमें और कम्युनिस्ट का मेन ही क्या है कि सारा लोग बराबर है और वो पूंजीपति का जो सारा कुछ है वो जनता का है इस टाइप का उसमें थॉट है ठीक है तो कैपिटलिस्ट कंट्री हमेशा कम्युनिज्म के अगेंस्ट में रहते हैं तो यूएसएसआर मतलब रशिया के साथ सॉरी रशिया नहीं यहाँ पे चाइना बोलेंगे चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन फिर भी 1979 तक चाइना के साथ यूएस का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है ठीक है लेकिन उसके बाद ही जो धीरे धीरे बिगड़ा है लेकिन क्यूबा से तो हमेशा से ही दुश्मनी रहा है ठीक है वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन वहाँ पे हमेशा से ही दुश्मनी रहा है और इसीलिए उसको ब्लैकलिस्ट करके रखे हुए थे बराक ओबामा जब वहाँ पे फिडल क्रास कैस्ट्रो रॉयल कैस्ट्रो वो है वहां के एक जैसे फाउंडर बोलेंगे वो उन्हीं लोग मतलब क्यूबा को लिबरेट करवाए थे तो मतलब फिडल कैस्ट्रो तो उसका क्या है ना कि क्यूबा को दुश्मन मानते हैं अब बराक ओबामा उसको ब्लैकलिस्ट से हटा दिए अच्छा रिलेशन कायम कर दिए लेकिन ट्रम्प जाते जाते उसको ब्लैकलिस्ट करके गया चले गए तो अब जो बिडन के पास क्या हो जाएगा कि क्यूबा के साथ कैसा रिलेशन होगा वो तो अब ब्लैकलिस्ट है और उसको फिर से ब्लैकलिस्ट से हटाने के लिए उसको बहुत सारा प्रोसेस है उसको uh, मतलब फिर से वो सारा कुछ मतलब स्टडी uh, करना होगा फिर वो फॉरेन पॉलिसीज देखना पड़ेगा फिर उसका उसके साथ uh, जो भी डील्स uh, मतलब जैसे कैसा रिलेशन है फिर उसको सारा असेसमेंट करना पड़ेगा फिर उसको ब्लैक लिस्ट से हटा सकेगा तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो uh, क्यूबा पहले अच्छा रिलेशन हो सकता था ये ट्रम्प जाते जाते उसको ब्लैकलिस्ट कर दिए तो ये प्रॉब्लम बढ़ गया जो बिडन के लिए ठीक है है ये सेम ही रिलेटेड अब आते हैं करेंसी रिफॉर्म्स ये क्या है ना कि एक, क्यूबा क्या किया था कि अपना जो क्यूबन पैसो है ठीक है और एक वहां पे चलता है कन्वर्टेबल पैसो ठीक है ये क्यूबन पैसों और कन्वर्टेबल पैसों दोनों से इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए उसको डॉलर ही चाहिए और इसमें ये न्यूज़ क्यों है ये यहाँ पे दो करेंसी सिस्टम है ठीक है दोनों चलता है तो ये आया ही क्यों वो हम क्रक्स सिर्फ बता दे रहे हैं कि ड्यूअल करेंसी ड्यूअल डोमेस्टिक करेंसी क्यों है क्योंकि क्या हुआ था ना कि आ, क्यूबा में मतलब जब आ, सुगर इंडस्ट्री और आ, निकल प्राइजेस 1990 में जब बहुत ज्यादा ये हो गया था प्रॉब्लम हो गया था तो फिर क्या हो गया कि जो क्यूबन पेसो है वो डॉलर के हिसाब से 140 मतलब गिर गया था ठीक है एक डॉलर यानी 140 आ, मतलब क्यूबन आ, पेसो तो क्या किया ना वो कन्वर्टेबल uh, पैसों करके एक इंट्रोड्यूस किया 1994 में जो जिसका वैल्यू क्या है थोड़ा अच्छा है ठीक है इसमें दिया भी है अच्छा uh, पे बताएं, जैसे इक्वल्स uh, ठीक है ये मतलब खुचरा हो गया ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग सपोज समझो यहाँ पे वन सी यू पी में ठीक है वन डॉलर मिल रहा है ठीक है और वो क्या किया सी यू पी हटा दिया सी यू सी ले आया तो अब उसको तो कम लगेगा ना देख लो इसको जस्ट ट्वेंटी फोर से डिवाइड कर दो अच्छा इसको अगर हम uh, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे टू फोर्टी सी यू सी में अगर ये गिरता हम थोड़ा सा इसलिए मॉडिफाई करें ताकि तुम लोग को समझने में आसान होगा टू फोर्टी सी यू पी का वन डॉलर मिलता तो यहाँ पे कितना होता है टेन सी यू सी से ही वन डॉलर मिलता तो इसीलिए क्या किया था करेंसी ही वो चेंज कर दिया था और वो सी यू सी कर दिया था ठीक है समझ में आया तो अब तो टर्म टेन ही हो रहा है ना तो उसी हिसाब से वन फोर्टी के लिए कर दो वन फोर्टी के लिए तो ये बहुत ही कम होगा मतलब सिक्स या सेवन करीब कुछ होगा ठीक है सिक्स पॉइंट समथिंग होगा तो इसीलिए वो चेंज कर दिया था तो अभी बोल रहा है कि नहीं ये जो पेंडेमिक आया है इसके चलते और जो बहुत सारा एक्सचेंज है डॉलर्स के साथ तो अभी बोल रहा है कि वो एक करेंसी को हटाएगा और फिर उसके बाद ताकि क्या होगा कि एक ही करेंसी चलेगा पब्लिक सेक्टर में और उसका एक ही एक्सचेंज रेट रहेगा मतलब वो अब नॉर्मलाइज करने का बात कर रहा है ठीक है ताकि क्या ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए क्योंकि कौन सा करेंसी कौन क्या कौन सा करेंसी यूज़ कर रहा है कौन सा करेंसी में ट्रेड कर रहा है कौन सा करेंसी हमको शो कर रहा है तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ पे तो इसीलिए डुअल करेंसी सिस्टम को हटाएगा और एक ही मतलब वापस आएगा एक ही सिस्टम में ठीक है फिर आ जाते हैं उसका ही है मतलब क्यूबा का वो ये सारा कुछ है ये पढ़ लेना अब दूसरा आते हैं दूसरा है कि इंडिया ट एज काउंटर बैलेंस टू चाइना यूएस यूएस ये बोलता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया एक्ट करेगा तो क्या क्या बहुत सारे डिस्प्यूट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं uh, क्या क्या डिस्प्यूट हैं तो हम लोग uh, आ जाओ सबसे पहले बताओ कौन सा डिस्प्यूट है मेरी uh, टाइम से रिलेटेड कौन सा डिस्प्यूट है से पूछते हैं कौन कौन है यहाँ पे अच्छा यूएस uh, का नहीं बोल रहे हैं चाइना और यूएस uh, और इंडिया मतलब चाइना और यूएस का मेरी टाइम से बोल uh, बताओ क्या, क्या क्या डिस्प्यूट है हाँ पूजा बोलो पूजा बोलो पूजा का आवाज ही नहीं आ रहा है ठीक है अनिमेश बोलो साउथ चाइना सी को लेकर हाँ साउथ चाइना सी को तो इंडो पैसिफिक वो बार बार बोलता है कि इंडो पैसिफिक में होगा तो इसमें ये बोलता है वो इसमें ये बोलता है कि यूएस ये बोलता है कि इंडिया बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन ठीक है ये आ, एशियान का भी आ, जगह को लेके बोलता है प्लस उसके बाद एक मिनट जैसे साउथ चाइना सी को भी लेकर ले के बोलता है साउथ चाइना सी इसको साउथ चाइना सी नहीं वो इंडो पैसिफिक बोलता है फिर उसके बाद क्या है कि आ, जैसे कि आ, और भी है जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो सिर्फ चा, मतलब चाइना के पार्ट से निकल करके आता है और बाकी नीचे जो आ, एरिया है जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अगर बनाए यहाँ मैप जैसे ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एंटर करके ये तो मिल करके इधर भी कहीं कहीं वो रिवर से कनेक्ट होता है हम लोग याद करो यहाँ पे पढ़े थे कि ब्रह्मपुत्र और भी जैसे मोहांग कुछ ये था वो बना रहा था तो ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना कंट्रोल ना करे उसके लिए भी इंडिया एक स्ट्रांग पावर है कि ब्रह्मपुत्र को मतलब जैसे वाटर को बाकी कंट्रीज़ में मतलब ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाने दें प्लस उसके बाद क्या है कि आ, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए भी इंडिया एक स्ट्रांग है भले बहुत ज़्यादा है एल में है डिस्प्यूट इधर अरुणाचल को लेकर के डिस्प्यूट है लेकिन फिर भी वो बॉर्डर और भी बना सकता है लेकिन मतलब वो एक्सटेंड कर सकता है लेकिन फिर भी इंडिया उसको टक्कर देने के लायक है वो मतलब बोलने का मतलब ये है फिर एक्ट इस्ट पॉलिसी में भी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंट्री है क्यों क्योंकि आ, अच्छा यूएस क्या बोलता है कि इंडिया को ये Actist में वो मदद करना चाहता है क्यों क्योंकि चाइना चाइना का का देखो का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना तो वो उस ये म्यांमार को बांग्लादेश को इधर थाईलैंड को सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या कर रहा है Uh, उन लोगों को डेब्ट दे रहा है दे रोड बनवा रहा है, और उससे क्या होगा कि उससे पैसा लेगा तो इससे क्या होगा कि उन लोग में रह जाएगा और क्या उसके अगेंस्ट में फिर को या तो कोई टे -टे टेरिटरी देना पड़ेगा या फिर इन मतलब कुछ अः उन लोगों को परमिशन देना होगा कुछ कि उन कुछ टेरिटरी में अपना इंटरफेरेंस बढ़ाए या कुछ भी तो ये सब को लेकर के यूएस बोल रहा है कि इंडिया uh, का एक्टिस्ट पॉलिसी में उसका हेल्प करेंगे और क्या है इंडिया uh, को मतलब यूएस uh, जापान और ऑस्ट्रेलियन का जो विजन है कि चाइना को कंट्रोल करके रखना और उसका जो बीआरआई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे वो सारा कंट्रीज को डेप्ट दे, दे के अपने में फंसा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया एक अच्छा काउंटर पार्ट है ठीक है और भी है कि ये जैसे कि नॉर्थ कोरिया में तो नॉर्थ कोरिया क्या है कि अच्छा वो अब उसके बारे में बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया को भी ये बोलना चाह रहा है यूएस कि नॉर्थ कोरिया का सर्वाइवल का एक ही पात है उसका कि उसको अपना पूरा न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ठीक है तो ये है और वो यही देख रहा है कि चाइना और बाकी जो नॉर्थ कोरिया को मतलब इंडिया एक काउंटर पार्ट अच्छा काउंटर पार्ट है यूएस के तरफ से इसको पढ़ना बाकी बाकी वही सब रिलेशंस दिया हुआ है अब आते हैं ये अभी थोड़ा चेंज हुआ है अच्छा आ, ये आ, बोलते हैं बहुत ब्रॉड है बहुत ब्रॉड है इस तरह से लेकिन कुछ कुछ सब में मतलब ये धर्म का बात है लेकिन फिर भी वो बोलना पड़ेगा आ, लोग बोले क्रिश्चियनिटी यहाँ पे इसलिए अपना है क्योंकि वहां पे इक्वल स्टेटस मिल रहा है इक्वल मतलब ट्रीट किया जाता है इसीलिए लोग हिंदू धर्म से बात करते हैं अच्छा मेन रीजन जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होने का क्या था जो बहुत लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में या हाँ बोलो अनिमिश कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम और और जो सोल्जर्स थे वो नदी पार नहीं कर सकते थे वरना घर निकाला, तो निकाला हो जाता कास्ट सिस्टम था और मतलब सोसाइटी में उन लोगों को हाँ पूजा कुछ बोल रही हाँ मैम वो जो उनको पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था दूसरी जाति में शादी करने पर वो सब सब तो था ही मतलब ये भी था कि हाँ उन लोगों का बहुत डिस्पैरिटी था मतलब सोसाइटी में भी बहुत डिस्पैरिटी था लेकिन क्रिश्चियनिटी अपने में भी क्रिश्चियनिटी में भी अपना एक लूप होल है उसमें क्या है कि अभी तक जो विमेन होती है विमेन जो होती है उसको प्रीस्ट बनने का इजाज़त नहीं है ठीक है विमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती क्रिश्चियनिटी में भी तो अभी ये जो पोप फ्रांसिस है वो एक्सप्लिसिटली अलाउ किए हैं कि विमेन अब आ, विमेन अब क्या कर सकती है विमेन ड्यूरिंग मास वो क्या कर सकती है कि वो रिश्त तो नहीं बन सकती है लेकिन वो गॉस्पल रीड कर सकती है मतलब वो जैसे कि आ, कुछ स्टोरीज रीड करते हैं मॉरल स्टोरीज टाइप का कुछ रीड करते हैं वो अब रीड कर सकती है यू मिनिस्टर बन सकती है जो कि आ, जैसे कि वो जो आ, आ, कभी भी चर्च अगर गए हो तो वहां पे जो परफॉर्म करते हैं जो वर्शिप करवाते हैं वो करवा सकती है लेकिन प्रीस्ट नहीं बन सकती है ठीक है फिर उसके बाद और भी है वहां पे उन लोगों का एक होता है आ, क्या बोलेंगे डेकॉइन ठीक है डेकॉइन ही समथिंग है एक सेकेंड हाँ डायकोनेट ठीक है एंड हुए तो ये क्या है ना कि एक आ, मतलब आ, पोस्ट है ठीक है वो पोस्ट वो होल्ड नहीं कर सकती है तो मिनिस्टर्स डेकंस कौन होते हैं डिकॉन्स कौन होते हैं मिनिस्टर हु परफॉर्म मेनी ऑफ द सेम फंक्शन एज़ प्रीस्ट एंड सच एज़ प्रेसाइडिंग वेडिंग बैपटिज्म और फ्यूनरल्स। ये सब जो करवाते हैं ये वुमेन नहीं करवा सकती खाली उसको परमिशन क्या दिया है तो वो वहां पे जो मोरल स्टोरीज टाइप का है या फिर उस तरह का पढ़ सकती है बस उसका परमिशन है और ये सब डिकॉन्स बनने का वो सबका परमिशन नहीं है वो अभी भी ये जो मिनिस्ट्री होता है उन लोग में भी तो डिकॉन्स मिनिस्ट्री किसके अंडर में है तो वो रिजर्व है मेन के लिए ठीक है यही था इसका न्यूज कि अब उसको पढ़ने का परमिशन मिल गया है अच्छा ये पोप फ्रांसिस कहाँ के हैं बताओ जरा अच्छा ये जो पोप होते हैं ये कहाँ पे होते हैं ये भी बताओ ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए हाँ बोलो पूजा वेटिकन सिटी रोम हाँ और ये बताओ वेटिकन सिटी रोम वेटिकन सिटी एक अलग सा ही कंट्री है ठीक है है ना मैं एक हाँ, हाँ और ये बताओ ये आ, पोप कहाँ के हैं मीरा हाथ उठाई थी शायद कौन मैम ये फ्रांसिस पेरिस बोलने वाला नहीं पेरिस के तो नहीं है किसी को याद है ये पोप फ्रांसिस कहाँ के हैं जहां तक हमको याद है ये अर्जेंटीना के हैं ठीक है थेके? ये पोप फ्रांसिस ठीक है ये सभी पूछ देता है कभी कभी पोप फ्रांसिस ये अर्जेंटीना के हैं एक बार कंफर्म कर लेना लेकिन हमको याद है अर्जेंटीना के होंगे अच्छा अब आ जाओ एंशियंट ला उला फोर्जिंग तो ये गल्फ आ, जो कि अल उला एक एंशियंट टाउन है सऊदी अरेबिया में वहां पे वो मिल आ, मिलने वाला था मतलब फिफ्थ जनवरी को तो वो तो हो ही गया तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएई बहरीन इजिप्ट ये सारे लोग ये मिल रहे थे और कतर के साथ तो कतर को तो बहुत सारा डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया गया था ये बात हम बोले थे सी और एयर मतलब सारा कुछ उस पर सैंक्शन लगा दिया था कि कोई भी नहीं उसके साथ रिलेशन रखेगा कोई भी ट्रेड नहीं करेगा इवन उसका जो मतलब उसका बहुत सारा कुछ था उस, उसको उस पर आरोप लगा हुआ था कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ है फिर उसके बाद तुर्की और ईरान के साथ था फिर उसके बाद ये बोला गया था उसको कि अल जजीरा नेटवर्क वो शट डाउन करने के लिए मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम था तो अब क्या हुआ कि ये सब था और कतर को ये बोला गया था ये सब कर देने के लिए कि उन लोगों से रिलेशन हटा दो फिर प्लस उसके बाद ब्र, मुस्लिम ब्रदरहुड से कोई संपर्क नहीं रखो मतलब बहुत कुछ तो वो सब डिनाई कर दिया था लेकिन अब क्या है कि कतर जो भी है वो किया जो किया अब इन लोग थोड़ा सा झुक गए हैं और कतर से अच्छा रिलेशन ये पिछले बार ही हम बात कर चुके थे वो अच्छा रिलेशन हुआ तो यही था कि अब जो गल्फ काउंसिल का जो मीटिंग होना अलहुलाल में उसमें इसमें ये भी पार्ट ले रहा है ठीक है वही न्यूज है उन्हीं लोगों का रिलेशन के बारे में न्यूज है ये तुम लोग पढ़ लेना ब्रिजिंग गल्फ वो सेम न्यूज है हम ये इसीलिए शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यू आ, सेम आर्टिकल बहुत सारा व्यू के तरफ से दिया जाता तो इसको कट करके हम लोग सेंड करते हैं ठीक है अब कतरीज हेड टू सऊदी अरेबिया आफ्टर आफ्टर रीओपनिंग द बॉर्डर एग्जैक्टली सेम ही है इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात है अब आते हैं यहाँ पे ईरान और साउथ कोरिया का अभी हम लोग कुछ देखे थे क्या हुआ था ईरान और साउथ कोरिया में दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या हुआ था अनिमेश खाली हाथ उठाया हाँ अनिमेश बोलो डिप्लोमैटर तो डिप्लोमेट आने वाला था डिप्लोमेट आने वाला था नहीं तो है यही बात हुआ ना कैंसिल क्यों कैंसिल कर दिया अगर कैंसिल किया तो क्यों कैंसिल कर दिया

एसेट्स सीज किया हुआ है डॉलर्स हाँ कुछ मिलियन डॉलर्स uh, का एसेट सीज किया हुआ है तो ईरान अभी सबको ये वार्न किया है कि यूएस जनरली यूएस और यूएस uh, को और गल्फ uh, को भी बोला है फ्रांस uh, और uh, जो भी लोग हैं उन लोगों को बोला है कि ये जो बात है कि हम साउथ कोरिया का अगर सीज किए हैं न, उसका शिप को हम रिलीज करेंगे लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर, करने के लिए वो बोला है बोला है कि इसमें तुम लोग का तुम लोग का कुछ लेना देना नहीं है इसीलिए तुम लोग इसको पॉलिटिसाइज मत करो मतलब इस पे पॉलिटिक्स मत करो यही बात बोला है अच्छा मलेशिया ए, स्टेट इमरजेंसी लगा दिया क्यों क्योंकि वहां पे मतलब लोग लो ये बोल रहे थे कि क्या वहां पे खू होने वाला है या फिर पी को हटाने का बात है तो नहीं वो सब कोई बात नहीं है यहाँ पे हेल्थ आ, मतलब आ, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ मतलब हेल्थ सिस्टम होने का चांसेस है क्यों क्योंकि वहाँ पे आ, ये बढ़ गया है वायरस का कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसीलिए वो स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया है ठीक है अब आते हैं आ, टेरर मास्टर माइंड ये क्या है ना कि आ, ये बहुत मतलब ठीक ही है इसमें क्या है कि अभी जाकिर रहमान लकवी ठीक है जो कि लश्कर तैया का मास्टर माइंड बोलते हैं 2008 का मुंबई टेरर स्ट्राइक में इसी का हाथ था जिसको पांच साल के लिए जेल भी भेजा गया था आ, टेरर आ, नहीं उसको अभी पांच साल के लिए जेल में भेजा गया टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस के लिए तो कौन भेजा तो पाकिस्तान भेजा तो इसमें ये आर्टिकल आया है कि ये जो इतना जल्दी जल्दी जो पाकिस्तान इतना स्पीडी मतलब स्पीड में है और उसको फट से जेल भी भेज दिया तो ये बोला कि जब आ, ज, आ, वो लखवी को जाकिर रहमान लखवी को जो मुंबई टेरर अटैक के लिए यूएस इतना कोशिश कर लिया था मतलब अमेरिकन इतना फ्रॉड कर रहा था इंडियन बोल रहा था लेकिन उस समय उसका कन्विक्शन नहीं हुआ था जबकि वो वन लोगों को मारा था लेकिन अभी इतना फटाफट पाकिस्तान क्यों एक्शन ले रहा है तो उसके पीछे है क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि हमको एज अ पनिशमेंट फिनेंशियल टास्क फोर्स है वो उस पर एक्शन लेगा मतलब ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डाल चुका है तो वो कुछ उसको आ, दिया था लिस्ट दिया था कि ये सब बात आपको मानना है टेन पॉइंट्स या कुछ इस तरह का पॉइंट्स था एटीन पॉइंट्स था या टेन पॉइंट्स था ये सारा आपको कंप्लाई करना है अगर नहीं कंप्लाई करेंगे तो आपको फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा मतलब इस तरह का कुछ था कुछ सैंक्शंस लगेंगे और ऑलरेडी उसको ग्रे लिस्ट में रखा है तो ये प्यूनिटिव एक्शन उस पे ना हो इसके लिए वो फटाफट जाकिर रह्म और रहमान लखवी को 5 साल का जेल में वो भेज दिया फिर उसी तरह से है कि आ, जमातुद्दवा का चीफ हाफिज़ सईद उसको आ, उस उसको भी कन्विक्शन हुआ फोर टेरर फाइनेंसिंग केसेस नवंबर में और फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी में तो ये स, वही है कि अभी और सारा एक्शंस है जिस पे वो उसको कंप्लाई करना है तो उसके बाद और पाकिस्तान फटाफट ये सब काम कर रहा है बस उसी डर से ये फिर उसका हिस्ट्री दिया हुआ है कि द कोट दैट दकवी वॉज फाउंडिंग मेम्बर ऑफ बैंड एल डी और वो प्रोस्क्राइब मतलब दो हजार दो में ही दो हजार दो से ही उस पे मतलब पाबंदी लगाने का बात है ठीक है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर ऑलरेडी फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा चुका था अच्छा आ... अच्छा ये नेक्स्ट टाइम पूछेंगे ये सब है बाकी तुम लोग को पढ़ने का ये पढ़ लेना ये बहुत अच्छा न्यूज़ है ये साउथ कोरिया का न्यूज़ है अच्छा साउथ कोरिया का और एक न्यूज़ हम लोग पढ़े थे ना अभी फिलहाल में इसको रिलेटेड मतलब बर्थ मतलब बर्थ रेट से मतलब फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड तो क्या था उसका न्यूज़ हां निवेश बोलो बहुत हां तो तो, अच्छा बहुत हाथ है गवर्नमेंट कुछ कर रही थी क्या कर रही थी बोली कि क्या बोली कि फर्टिलिटी रेट बढ़ाने बरहा, के लिए वो क्या करने बोली वो, आ, कुछ इंसेंटिव देने का बात कर रही थी हाँ एक लाख पैंतीस हजार रुपया देने की बात कर रही थी और प्लस और भी बहुत सारा इंसेंटिव अच्छा और रीजन क्या बोल रहे थे और कि क्यों फर्टिलिटी रेट कम है वहां पे ये भी तो बात हुआ था ना कि फर्टिलिटी रेट का अंदाजा लगा रहे थे कि ये सारे रीजंस होंगे तो क्या-क्या रीजंस थे आ, पूजा बोलो एक मैम वहां पे मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है वो एक रीजन है हम्म और दूसरा एक रीजन बोलो नेहा मैम वहाँ घर का प्राइस बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से पहले मतलब घर खरीद लें इसके बाद हाँ, फैमिली तो प्लानिंग, करेंग तो फैमिली प्लानिंग करेंगे तो अब भी हाँ ठीक है वो उसके एडिशन में ये उससे अलग ही है कि ये एक अलग ही रीजन दिखा रहा है कि क्यों वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम होगा ठीक है यहाँ है अनमरिड सॉरी अनहैपी अनहैपीली अनमेरिड मतलब है यहाँ पे क्या ना एक अजीब सा वो बोला है मतलब बात बोला है ये तुम लोग पढ़ लेना कि इसमें बोला है कि औरतों को बोला है एक तरफ तो बोल रहा है कि औरतों को बोला ना कि इंसेंटिव औरतों को नहीं बोला बोला कि अगर आप मतलब फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चा होगा तो हर बच्चा के पैदा होने पे इतना रुपया दिया जाएगा फिर थर्टी फोर थाउजेंड फिर मतलब दो हजार पच्चीस तक उसको और बढ़ा दिया जाएगा पहले ट्वेंटी थाउजेंड था फिर थर्टी फोर थाउजेंड कर दिया जाएगा ये सारा कुछ इंसेंटिव ले रहा है प्लस उसके बाद क्या है ये सब भी बात बोल रहा है कि हाँ ये मतलब फर्टिलिटी रेट बढ़ाने का बात करेंगे इधर दूसरा टाइप क्या है कि ये बहुत अजीब सा बात है कि सिंगल मैरिड और प्रेगनेंट कुछ भी हो तो इसमें एक बात बोला है कि औरत अगर औरत के बारे में बोला है कि औरत अपने हस्बैंड को ये छोटा छोटा बात पे मतलब चाइल्ड बर्थ फिर प्रेग्नेंट है ये सब छोटे छोटे बात पे मतलब हस्बैंड हसबैंड को परेशान नहीं करेगी और मतलब सफाई वफाई का ध्यान देना है उसको घर को क्लीन करना है फ्रिज को ये सब छोटे छोटे बात के लिए हस्बैंड को परेशान नहीं करेगी मतलब सारा काम आ, वाइफ करेगी और फिर उसके बाद ये जो चाइल्ड केयर के लिए अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े मतलब बच्चा के लिए या कुछ के लिए तो वो पहले ये इंश्योर करेगी कि उसके पीछे उसके घर का ध्यान रखने वाला कोई है कि नहीं मतलब वो सारा इंश्योर करने के बाद अपना काम करिए तो ये ये बात बोला है कि ये अजीब सा मतलब बात है कि साउथ कोरिया में एक तरफ तो बोल रहे हैं कि नहीं फर्टिलिटी रेट अच्छा करना है और एक तरफ मतलब वुमेन को इस तरह से अगर आ, ट्रीट किया जाएगा तो कौन चाहेगा कि हाँ हम घर का सारा काम भी करें और एडमिट भी होना है तो ये इंश्योर पहले कर ले कि मेरे हस्बैंड को खाना बना के देने वाला है कि नहीं मेरे घर का पीछे सफाई करने वाला है कि नहीं तो ये आ, ये अजीब सा बात है और ऊपर से वुमेन को ये फ्रॉड कर रहे हैं कि हाँ बच्चा होना चाहिए ठीक है और तो ये उस वो तो मतलब नहीं चाहेगी ना कि वो मतलब वैसा वेमेन क्या अपना हेल्थ केयर खुद करो ऊपर से हसबेंड का ये इंश्योर करो कि उसको खाना बना के भी मिले तो वो इसीलिए हैप्पीली अनमैरिड करके आया वो मतलब सिंगल वुमेन हो मैरिड हो प्रेग्नेंट हो सबके लिए यही बात है यही इसमें आया हुआ है वही फिर साउथ कोरिया का ये भी बोला है कि जेंडर पे गैप भी बहुत ज़्यादा है वो लार्जेस्ट अमंग थर्टी सेवन कंट्रीज है ये ओ ये बोला है फिर उसके बाद मतलब पेरेंटल लीव में भी पॉलिसीज नहीं है तो इसीलिए ये कैंपेन चल रहा है तो ये सारा उसके लिए न्यूज़ है अब आ जाते हैं एक है युगांडा बॉबी वाइन अच्छा कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो दूसरा जो पार्टी है रिजेक्ट कर देता है जो हारता है तो यहाँ भी वही हुआ युगांडा में जो अपोजिशन लीडर है बॉबी वाइन वो क्लेम किया मतलब क्लेम विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजेक्टिंग एज अ कंप्लीट शेम अर्ली रिजल्ट्स गेव प्रेसिडेंट यूए रिमूसेड अ वाइड लीड ये देख लेना अब एक और है आ, पाकिस्तान में एक एक बात को लेके लोग बहुत आ, नाराज हैं ठीक है तो नाराज किसके लिए है तो वहां पे ना आ, पाकिस्तान जो है आ, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो अरब रॉयल्स जो है अरब के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उन लोगों को हर साल ठंडा के टाइम में पाकिस्तान में इनवाइट करता है ठीक है इनवाइट करता है किस लिए तो बर्ड हंटिंग के लिए वहाँ पे एक है हबारा बस्टर्ड जैसे यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था ना उसी तरह से आ, हो बारा बस्टर्ड है सेम ही टाइप का है वो दोनों ही सिमिलर है और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है ठीक है मतलब वो वो भी इंडेंजर्ड है तो लेकिन उसको बुलाता है रॉयल फैमिली को और ये वहां पे हंटिंग कराता है अच्छा इस तरह का हंटिंग को जो पैस और रॉयल फैमिली उसके बदले क्या है एक तो रिलेशन अच्छा होगा अच्छा खासा पैसा देता है तो इस तरह का पैसा दे के अगर हंटिंग करने को क्या बोलते हैं एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए इस तरह का हंटिंग के लिए जो पहले से पढ़े हो उन लोग कोई भी इस तरह का हंटिंग को ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं ठीक है पैसा देके अगर हंटिंग करे तो उसको ट्रॉफी हंटिंग बोलते हैं ठीक है तो ये क्या है ना कि वो पैसा और रिलेशन भी अच्छा होगा पाकिस्तान में इसीलिए ये करवाते हैं जबकि इंटरनेशनल इन, फंड ऑफ हबोरा कंजर्वेशन के हिसाब से उसको भी प्रिजर्व करके मतलब कंजर्व करके रखने का जरूरत है अब आते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या था ना ये आ, ये जो बर्ड्स मतलब ये फॉर स्पोर्ट्स जो किल करते हैं उसका मीट भी मीट भी यूज़ करते हैं उसका मीट के लिए भी और जो जो उसका मीट होता है वो आ, उसमें एफ्रो क्वालिटीज होता है एफ्रोडाइजिय क्वालिटीज जिससे बोलते हैं कि आ, वो आ, जैसे बोलते हैं कि आ, स्ट्रेंथ इंक्रीज uh, होता है ठीक है मतलब कि uh, बोलते हैं कि पोटेंसी uh, बहुत ज़्यादा आता है और फिर uh, वो मेल्स जैसे कि मेल्स uh, पोटेंट बनने के लिए जैसे बहुत स्ट्रांग uh, और सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर लेने के लिए एफ्रोडाइजियक का यूज़ करते हैं तो बोलते हैं इसका मीट भी उसके uh, काम में आता है एफ्रोडाइजियक के काम में तो इसीलिए उसका हंटिंग करते हैं 2015 में इसके अगेंस्ट में बहुत मतलब 2014 में ही बहुत सारा बात हुआ कि नहीं इसको रोक देना चाहिए इसका भी कंजर्वेशन जरूरी है तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दी थी हबारा बस्टर्ड हंटिंग पे लेकिन दूसरे ही साल उस वो हंटिंग वो बैन हटा दी और फिर से वो शुरू हो गया और जब ये इमरान खान ये जब अपोजिशन में थे तो ये भी बहुत अगेंस्ट बोलते थे कि नहीं आ, ये जो गल्फ नेशंस है ये आते हैं और यहाँ पे हंटिंग करते हैं इसको रोकना चाहिए और जैसे ही इस बार पावर में है तो वो भी वही काम कर करें वही इनवाइट किए हैं और उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बुलाए हैं और हंटिंग के लिए तो इसीलिए अभी वहाँ पे ये बात हो रहा है नेशन वाइड वही है कंजर्वेशनिस्ट है जो इसके अगेंस्ट में है क्योंकि ये वल्नरेबल बर्ड है पाकिस्तान में तो वही आ, कौन आया हुआ है तो शेख मोहम्मद बिन रसीद अल मक्तून रॉयल और रॉयल फैमिली आया हुआ। ये भी एक प्रिंस है सब आया हुआ है अच्छा, ये एक, न्यूज है अच्छा एक न्यूज़ जिसमें कि क्या है कि ब्रिटेन तो ब्रेक मतलब ब्रे, यू से बाहर निकल गया ब्रेग्जिट हो गया तो अब क्या है ना कि एक आ, चथम हाउस ठीक है वहां पे सेंचुरी ओल्ड बेस्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जिसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी बोलते हैं वो एक ब्लूप्रिंट मतलब एक रिपोर्ट है मतलब रिपोर्ट मतलब पब्लिश किया है मतलब एक ब्लूप्रिंट है कि ब्रिटिश ब्रिटेन का फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा ब्रेक्जिट के बाद तो उसका जो टाइटल है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर ठीक है इसमें मतलब जस्ट कैसा होगा रिलेशन उसका एक ब्लू प्रिंट है तो इसमें क्या है ना इसमें एक अजीब सा बात दिया हुआ है मतलब इसमें क्या किया है कि आ, सारा मतलब एक इंटरनेशनल अफेयर को एक सोसाइटी सिटीजन्स और राइट्स और मतलब राइट्स जहां पे डिनाइड हो उस तरह के एंगल से लेकर के बात किया हुआ है क्या बोले हम फिर से बोल रहे हैं मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स कैसा होगा वो किस से किस पे डिटरमाइन किया हुआ है मतलब क्या क्या उस पर हुआ है पैरामीटर्स कि सोसाइटी वहां का कैसा है ठीक uh, है उस कंट्री का वहाँ के सिटीजन्स राइट्स है कि नहीं वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं कि नहीं और ऐसा तो नहीं कि उनका राइट्स को कुचला जा रहा है मतलब ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए वो वैसा रिलेशन बनाएंगे ब्रिटेन का कंट्रीज के साथ तो इसमें ये बात आया है कि इसमें बोला है कि डिफिकल्ट फोर कंट्रीज तो डिफिकल्ट फोर कौन कौन सा है तो डिफिकल्ट फोर कंट्रीज जो नाम लिया है यह है रशिया, तुर्की सऊदी अरेबिया और उसमें इंडिया को भी रखा है तो इंडिया को रखा क्यों है तो इसमें जो वो जो ग्लूप्रिंट बनाई है वो केट सुलिवन डी एस्ट्राडा ठीक है एसोसिएट प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ साउथ एशिया वो एक्सप्लेन किया क्यों क्यों ऐसा मतलब इंडिया को क्यों रखा हुआ है इसमें तो वो बोला कि इंडिया में जो है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आया 2014 के बाद वहां पे हिंदू नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है और मुस्लिम्स का राइट्स माइनॉरिटीज का रिलीजियस ग्रुप्स का माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स का राइट्स और ये सब आ, मतलब खतरे में है सेक्युलरिज्म खतरे में है डेमोक्रेटिक इंडिया जो कि नेहरू का आ, मतलब एक रखा हुआ मतलब बनाया हुआ मतलब उनका स्टैब्लिश किया हुआ वो सारा कुछ धीरे धीरे मतलब वो खराब हो रहा है तो इसीलिए ये बोली कि हम बता दिए पैरामीटर्स किस किस पे होगा तो इसीलिए ये बोला गया कि ये डिफिकल्ट फोर है जहाँ पे कि डेमोक्रेसी मतलब लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया बता बोलता है कि लिब, लिबरल है लेकिन वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है तो इसीलिए इंडिया को डिफिकल्ट फोर के रूप में रखा हुआ है ठीक है और फिर उसके बाद आ, इंडिया के लिए बहुत आ, मुश्किल होने वाला है क्यों क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में है तो उसको मतलब अपने आप को सेक्युलर जो दिखाता है लेकिन अभी तो दिख रहा है कि वो है नहीं मतलब इंटरनेशनली मतलब ऐसा सबको दिख रहा है फिर उसके बाद अभी जी ट्वेंटी का होस्ट करने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो इंडिया वो अपना जो विजन है ठीक है और इंटरनेशनलली जो वो खराब किया हुआ है उसको अभी ठीक करने का जरूरत है ठीक है तो यही ये, ये आर्टिकल में है अब आते हैं एम्स्टर्डम तो एम्स्टर्डम किसका कैपिटल है ये सबको पता होगा एम्स्टर्डम किसका कैपिटल है किसी को नहीं पता है हाँ मीरा बोलो नीदरलैंड हाँ तो नीदरलैंड बेसिकली डच लोग वहां पे हैं ठीक है तो वहां पे एक सिस्टम है वहां पे क्या है ना अच्छा ये लास्ट ही न्यूज है शायद हाँ एम्स्टर्डम में क्या है कि उसको आ, उसका रेपुटेशन है वीड कैपिटल वर्ल्ड्स का वीड कैपिटल तो वहां पे क्या है कि आ, जो कैनबीज ठीक है कैनबीज जैसे जो हम लोग मेरी जुआना, जो यूज करते हैं जो भांग वांग के लिए यूज करते तो ऐसे तो वो बैन है लेकिन क्या ना मतलब हशीस ये इलीगल है नीदरलैंड में लेकिन ये मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री और वो सब के कारण वहां पे ना कॉफी शॉप है मतलब कॉफी शॉप है कैनबीज कप्स बोलते हैं वहां पे मतलब कॉफी शॉप्स पे वो दिया जाता है मतलब वो यूज होता है और वहाँ पे जगह जगह से टूरिस्ट लोग का अट्रैक्शन पॉइंट है वहाँ कॉफी पीने जाते हैं मतलब वहां पे उसको देने का परमिशन है ठीक है वहाँ मिलता था तो अभी क्या है कि आ, वो जो कॉफी शॉप है इवन जो पैंडेमिक हुआ सब बंद हो गया लेकिन वो कॉफी शॉप खुला रहता था तो अभी क्या है अभी जो बोले हैं कि एमस्टर्डम 166 कॉफी शॉप को मतलब वो कैनिविज ये करने के लिए वो बोले कि आप उन्हीं लोगों को कॉफ़ी देंगे जो जिनके पास पासपोर्ट होगा उन्हीं लोगों को ठीक है मतलब नीदरलैंड जो भी रेसिडेंट्स है जो नीदरलैंड के रेसिडेंट्स हैं और उनके पास नीदरलैंड का पासपोर्ट होगा उन्हीं लोगों को वो कॉफ़ी सर्व करना है क्यों क्योंकि जगह जगह से लोग क्यों जाते थे वहाँ पे तो ड्रग्स के लिए मतलब वही मैरिज आना और वो सब के लिए तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है इसको भी पढ़ना बस यही था चलो आज का तो इतना ही मतलब न्यूज़ था इसमें इंटरनेशनल में बाकी नेक्स्ट सर का क्लास होगा कल इतना दूर में किसी को कोई डाउट है वैसे बहुत ज़्यादा था भी नहीं तो